अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बाउल में आधा कप बेसन ले लिया है। अब इसमें एक चौथाई कप चावल का आटा डाल देते हैं, जिससे कि स्नैक्स हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और एक चौथाई छोटा चम्मच कलौंजी, एक चौथाई छोटा चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटा चम्मच अजवाइन और एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें पतला सा बैटर तैयार करना है। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना पड़े। थोड़ा सा तीखापन के लिए मैंने एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है इसमें। इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह की रहेगी, ना बहुत ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो चलिए इसे साइड पे रख देते हैं। अब मैंने दो मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए थे, जिसको कि मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है, ताकि इसमें कोई चंक्स न रहे। अब इसमें एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच चाट मसाला, एक छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा मैंने फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। अब ये हमारी आलू की स्टफिंग बनके तैयार है, तो इसे भी साइड पे रख देते हैं। अब मैंने कुछ पालक के पत्ते लिए हैं, इस तरह से जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, इसको मैंने तोड़ के ले लिया है, जितनी मुझे ज़रूरत है। अब दो उबले हुए अंडे लिए हैं, जिसको कि मैंने चार हिस्सों में काट के लिया है। अब पालक का एक पत्ता लेते हैं और इस पर जो आलू की स्टफिंग बनाई थी ना, उसको एक बड़े चम्मच के लगभग इस पर रखते हैं और इस तरह से इसे फैला देते हैं। अब एक अंडे की स्लाइस रखते हैं इस पर और इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है। फिलिंग हमारी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, ये अच्छे से इसमें चिपक जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें बनाना है, दूसरा भी बना लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और बराबर में जो बेल आइकन है उसे दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए मैंने इसी तरह से सभी रोल तैयार कर लिया है। अब जो बेसन का घोल है इसमें इसे डिप करते हैं इस तरह से, और एक तरफ मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें सावधानी से डाल देते हैं, मीडियम आंच पे हमें इसे तलना है। बस इसे फ्राई करने में हमें बस 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगता है इसे फ्राई करने में, क्योंकि सारी चीज़ें तो अंदर से पकी हुई है, बस हमें बेसन को थोड़ा सा पकाना है, फ्राई करना है। तो जैसे ही इसमें प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, देखने ही से मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इसी तरह से हम सभी स्नैक्स को तैयार कर लेते हैं, और इसे गर्मा गर्म किसी भी चटनी के साथ, हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान आ रहा है, इस रमज़ान में आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये स्नैक्स। इस स्नैक्स को मैं क्या नाम दूँ, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब आपको मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स है। आप किसी भी पार्टी में या किसी भी मेहमान को देंगे ना, तो वो ज़रूर पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। Thank you.
हैं।